इन जाबाज मार्कोस का नेतृत्व आशिम डोले चीफ एमई कर रहे हैं। द कमांडोज आर बीइंग लेड बाय आशिम डोले चीफ एमई। The Marine Commandos Force, also known as MARCOS, was raised in 1987. It is the special force unit of the Indian Navy, capable of operating in all dimensions. These naval frogmen operate in teams of eight, known as the Prahar. They are known for their ability to operate in various terrains that includes jungle, urban, and maritime environment. The Marine Commandos have been involved in several significant operations, reflecting their readiness to respond to various challenges. The Marine Commandos of the Indian Navy play a pivotal role in countering piracy in the Gulf of Aden and North Arabian Sea. They are part of India's ongoing efforts to ensure the safety of international maritime trade. MARCOS conduct highly specialized anti-piracy operations swiftly, instrumental in the rescue of the hijacked merchant vessel MV Ruin. The rapid deployment, tactical precision, and seamless coordination with other naval forces led to the safe release of hostages and the neutralization of pirates. देवी और सज्जन आपकी दाहिनी ओर से बढ़ रहे हैं चार जेमिनी नाव, वे एक युद्ध तट की टोही और आक्रमण का अनुकरण करने जा रहे हैं। दर्शक बंधु सामना पटरु आपण मानक निकटतर हेउछंती चारिटी जेमिनी, से माने एक कॉम्बैट बीच रिकॉनिसेंस एवं असॉल्ट अनुकरण करुछंती। लेडीज एंड जेंटलमैन, अप्रोचिंग यू फ्रॉम द राइट आर फोर जेमिनी। दे आर सिमुलेटिंग अ कॉम्बैट बीच रिकॉनिसेंस एंड असॉल्ट। Presently, they are firing flares and have lit smoke markers for ease of visualization. बर्तमान आपण माने नारंगी धुआं व्यवहार करितिबा कमांडो माननकु देखुछंती। एहा फ्लेयर फायर तथा स्मोक मार्कर्स सेमाननकु सहजरे दृश्यमान हेबा पई सहायक होइथाय। प्रकृतरे एही पद्धतिटी अंधकार रे तथा गोपनीय भाबे करा जाय। These inflatable assault boats are used by intrepid commandos of the Indian Navy, the MARCOS, who belong to the Special Forces Unit, INS Karn. Their motto is the few, the fearless. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक दाहिनी तरफ दुश्मन की एक चौकी है, जिसमें एक भारतीय बंधक है। हमारे कमांडो इस चौकी को नष्ट करके अपने नागरिक को छुड़ा लेंगे। दाहिनी तरफ से दो लाइट सपोर्ट दल बंधक को सुरक्षित स्थान पर लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर अबाउट टू विटनेस अ सिमुलेटेड हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कमांडर्स ऑफ द इंडियन नेवी। आमे भारतीय नौसेनार कमांडो मानक द्वारा करा जाउथिबा एक बंधक उद्धार अभियान अनुकरण देखुछु। देवी और सज्जनों, एक तरफ आप गोलियों की बौछार होते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नौसेना सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे करती है। युद्ध का ये सजीव चित्रण आपको निश्चित रूप से रोमांचित कर रहा होगा। मंच के सामने आप इस समय जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वह सीकिंग है। इस समय मरीन कमांडो द्वारा बंधक को छुड़ा लिया गया है और लाइट सपोर्ट वाहन बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट से निकल चुका है। गोलियों की बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। तू कर प्रहार बार बार, निश्चय कर हो जा तैयार। कांप उठे जमीन जो पड़ते हैं तेरे कदम, जल में हो या थल में हो शत्रु का तू कर संहार। लेडीज एंड जेंटलमैन, टू योर लेफ्ट यू कैन सी फोर LCMs डिप्लॉइंग व्हाइट स्मोक मार्कर्स। दर्शक बंधु मैंने
ठीक आपणक सम्मुखरे चारिटी एलसीएम को स्मोक मार्कर व्यवहार करूथिबार देखुछंती। देवी और सज्जनों, आपके सामने चार एलसीएम सफेद धुएं के मार्कर छोड़ते हुए अपनी सटीकता और भव्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। One of the key facets of special operations is the insertion and extraction of the marine commandos once they have completed their assigned missions. विशेष अभियान गुडीकर मुख्य प्रासंगिकता गुडीक मध्यरे गुरुत्वपूर्ण अंश हेउची मरीन कमांडो मानंकु तांकर निर्दिष्ट मिशन संपन्न करबा परे सुरक्षित प्रत्यावर्तन कराइबा। The Seeking 42 Charlie helicopter is being flown by Commander Yuvraj Kumar and Commander Anurag Singhal, who will expertly undertake the STI maneuver with Marcos slung underneath. विशेष अभियानों के मुख्य पहलुओं में से एक है मरीन कमांडो का उनके असाइन किए गए मिशन पूरा करने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचना और वापस निकलना। In the meanwhile, let me apprise you about the LCMs. दर्शक बंधु माने वर्तमान अपन माने देखि पारु छंती कि परि मरीन कमांडो माने द्रुत गति रे हेलीकॉप्टर ऊपर को हुक करु छंती एही परि झुली रही से माने दिग बळय आड़ को अग्रसर हेबे। देवी और सज्जनों, अब हेलीकॉप्टर से कमांडोस को तेजी से रस्सी पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड नाउ द मार्कोस फ्लाई अवे हैंगिंग ऑन टू द सीकिंग हेलीकॉप्टर। स्टाई तकनीक का उपयोग करते हुए मार्कोस को सीकिंग हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर एक रस्सी के सहारे दूरस्थ स्थानों पर तेजी से तैनात किया जाता है। ये तकनीक उच्च जोखिम वाले आतंकवादी रोधी और अपहरण रोधी अभियानों के लिए बेहद प्रभावी है। Ladies and gentlemen, we will now witness an amphibious demonstration by the combined forces of the Indian Navy and the Indian Army. जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।